बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है ज़ाइगोमाइकोटा, यानी फंजाई की जो डिवीज़न है उसका सबसे पहला ग्रुप हमने पढ़ना है ज़ाइगोमाइकोटा। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है, लॉन्ग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसका कुछ इस तरह से आता है, राइट अ डिटेल नोट ऑन ज़ाइगोमाइकोटा या ज़ाइगोमाइसीटीज़ या कॉन्जुगेटिंग फंजाई, कि कॉन्जुगेटिंग फंजाई पे नोट राइट करें, ज़ाइगोमाइसीटीज़ पे नोट राइट करें या ज़ाइगोमाइकोटा पे नोट राइट करें। तो और बाज़ अवकात ऐसे भी आता है कि राइट अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ ज़ाइगोमाइसीटीज़। तो जिस तरह भी आए, छोटा सा क्वेश्चन है, आपने पूरा लिखना है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। तो इसके बारे में हम देखते हैं ये है क्या। ज़ाइगोमाइकोटा का मतलब है, यानी ये फंजाई का जो ग्रुप है इसको कॉन्जुगेटिंग फंजाई भी कहते हैं। अब ज़ाइगोमाइकोटा या ज़ाइगोमाइसीटीज़ इसलिए कहते हैं कि इसके स्पोर्स को हम ज़ाइगोस्पोर्स का नाम देते हैं, तो ज़ाइगोस्पोर्स की वजह से ये ज़ाइगोमाइकोटा कहलाता है या ज़ाइगोमाइसीटीज़ कहलाता है। और इसके साथ साथ इसको कॉन्जुगेटिंग फंजाई का नाम भी देते हैं। कॉन्जुगेटिंग फंजाई का नाम इसको सिर्फ इसलिए देते हैं कि इसके जो रिप्रोडक्शन है, चाहे वो सेक्सुअल है या एसेक्सुअल है, जिसमें इसके स्पोर्स बनते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। उन एसेक्सुअल स्पोर्स को कोनिडिया या दूसरी टाइप के हैं वो नाम भी देते हैं। और जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ये करता है तो उसके ज़रिए ज़ाइगोस्पोर्स बनते हैं। तो ज़ाइगोस्पोर्स का बनना और कोनिडिया या एसेक्सुअल स्पोर्स का बनना, यानी सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन हो गई। इस रिप्रोडक्शन के दौरान इसमें कॉन्जुगेशन की तरह का फेनोमिना होता है, यानी इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉन्जुगेशन जैसी टाइप वाला फिनोमिना होता है। बैक्टीरिया की तरह की तो कॉन्जुगेशन नहीं होती, लेकिन उसी तरह की कुछ होती है। तो जिस इसीलिए हम इसको कॉन्जुगेटिंग फंजाई का नाम भी देते हैं, क्योंकि कॉन्जुगेशन से इसका थोड़ा बहुत रिलेशन है या सिमिलैरिटी है, इस वजह से इन्हें कॉन्जुगेटिंग फंजाई का नाम देते हैं। अब आगे आता है, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो भी स्पोर फॉर्मेशन के ज़रिए होती है, और जो कोनिडिया कहलाते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के ज़रिए होगी। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें इसके ज़ाइगोस्पोर्स बनते हैं, तो वो ज़ाइगोस्पोर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए बनते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड हो गया। तो एसेक्सुअल की तो कोई डिटेल नहीं है वो हम, क्योंकि एज अ होल जनरली तौर पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में पड़ी थी, वो उसी में आगे कुनिडिया क्या होते हैं, किस तरह रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ हम सिर्फ इसके बारे में देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, यानी ये सेक्सुअली अपने आप को कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी नस्ल कैसे बढ़ाता है। तो सेक्सुअली इसमें बनता है ज़ाइगोस्पोर, जो जब इनके हाइफी आपस में फ्यूज़ होते हैं तो फ्यूज़ होने पे गैमिटेंजिया बनता है, गैमिटेंजिया गैमिट्स बनाता है, फिर उस गैमिट्स का आपस में फ्यूजन होती है, या फ्यूजन होती है तो उसके नतीजे में ज़ाइगोस्पोर्स बनता है। जो ज़ाइगोस्पोर्स बनते हैं उसकी डिवेलपमेंट होती है, फिर उससे स्पोरेंजिया बनता है, फिर स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं, फिर जो है वो स्पोर्स जब बिखरते हैं तो उनसे नया नया माइसीलियम बनता है, या दो अलग डिफरेंट टाइप के माइसीलियम, जितने स्पोर्स होंगे उतनी तरह के माइसीलियम्स बनाएंगे। तो इसको हम देखते हैं, ज़ाइगोमाइकोटा, दूसरा नाम क्या था ज़ाइगोमाइसीटीज़, और तीसरा नाम क्या है कॉन्जुगेटिंग फंजाई। तीनों नाम इसी एक ही ग्रुप के हैं। कॉन्जुगेटिंग फंजाई कहलाते हैं, इसे अंडरलाइन कर लें, ये एमसीक्यूज़ के तौर पर आता है। जितने ग्रुप हैं जिसके नाम भी लिखे हुए हैं वो एमसीक्यूज़ के तौर पर उनके निक नेम आ जाते हैं, आपने सारे याद करने हैं। हाइफी इनके सीनोसीटिक होते हैं, यानी नॉन सेप्टेट होते हैं। सीनो का मतलब होता है जुड़े हुए, तो ये जुड़े हुए होते हैं, नॉन सेप्टेट होते हैं। रिप्रोडक्शन दो तरह की होती है, एक को हम नाम देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरी को नाम देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्पोर्स के ज़रिए होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स, उन स्पोर्स को कुनिडिया या एक और नाम भी है वो देते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो ज़ाइगोस्पोर्स के ज़रिए होती है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स बनते हैं उन्हें ज़ाइगोस्पोर्स का नाम देते हैं। ज़ाइगोस्पोर्स टेम्परेरी होते हैं, यानी थोड़े से वक्त के रहने वाले होते हैं, उसके बाद वो चेंज हो जाते हैं, और थिक वॉल्ड होते हैं, मोटी दीवारों वाले होते हैं, डॉर्मेंट होते हैं, यानी इनमें हल्की फुल्की रेजिस्टेंस भी होती है एनवायरनमेंट के लिहाज से। और लास्ट वन रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी ये सारी प्रॉपर्टीज़ किन की हैं ज़ाइगोस्पोर्स की, थिक वॉल्ड होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं, डॉर्मेंट होते हैं और टेम्परेरी होते हैं। ये बनते कैसे हैं, आपकी बुक में उसने थोड़ा सिंपल लिखा है, आपने इसे थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेना है कैसे, कि न्यूक्लियाई ऑफ हाइफी के दो, जो दो डिफरेंट टाइप के हाइफी हैं उनके न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ होते हैं। पहले तो साइटोप्लाज्म फ्यूज़ होंगे, यानी प्लाज्मोगैमी होगी, उसके बाद कैरियोगैमी होगी। तो जब कैरियोगैमी होती है, न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ होते हैं, उससे बनता है गैमिटेंजिया।
अब गैमिटेंजिया का क्या मतलब होता है? गैमिट्स प्रोड्यूस करने वाली अशिया या गैमिट्स प्रोड्यूस करने वाले आर्गन स्ट्रक्चर, गैमिट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, उन्हें हम गैमिटेंजिया का नाम देते हैं। गैमिटेंजिया आगे जाइगोट बनाती है, यानी इनमें गैमिट्स प्रोड्यूस होंगे, फिर उन गैमिट्स की फ्यूजन होगी, उसके नतीजे में जाइगोट प्रोड्यूस होगा। जाइगोट अब आगे जब जाएगा ये जाइगोस्पोर बनाता है, जाइगोट जाइगोस्पोर बनाएगा। ये हैप्लॉइड थे, गैमिटेंजिया गैमिट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स बने, उसके बाद जाइगोट बना, यानी इनमें जो गैमिट्स प्रोड्यूस हुए हैं वो हैप्लॉइड थे। जब वो हैप्लॉइड गैमिट्स आगे फ्यूज होंगे उनसे जाइगोट बनेगा, तो जाइगोट क्या होगा? डिप्लॉइड होगा। जाइगोट डिप्लॉइड है, जाइगोट आगे जाइगोस्पोर बनाता है, तो जाइगोस्पोर भी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, यानी इसमें भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जाइगोस्पोर्स फिर जर्मिनेट करता है, जब जाइगोस्पोर जर्मिनेट करेगा इसकी जर्मिनेशन मियोसिस के जरिए होती है और वो स्पोरेंजिया बनाएगा, फिर स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, वो स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं, वो न्यू माइसीलियम बनाएंगे। यानी सबसे पहले इनके हाइफी फ्यूज होंगे, प्लाज्मोगैमी होगी, उसके बाद कैरियोगैमी होगी। जब कैरियोगैमी होगी तो कैरियोगैमी के नतीजे में इनमें प्रोड्यूस होते हैं गैमिटेंजिया, गैमिट्स प्रोड्यूस होंगे, फिर गैमिट्स फ्यूज होंगे, उसके नतीजे में बनेगा जाइगोट, और ये जाइगोट डिप्लॉइड होता है। जाइगोट की आगे जर्मिनेशन होगी, वो चेंज हो जाएगा जाइगोस्पोर में, जाइगोस्पोर डिप्लॉइड होता है, जाइगोस्पोर आगे जर्मिनेट करेगा तो वो स्पोरेंजिया बनाएगा, और ये मियोसिस के जरिए होगा। स्पोरेंजिया के अंदर हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स न्यू माइसीलियम बनाएंगे। ये थोड़ी सी एडिशन है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, लेकिन आपको क्लियर करने के लिए ज़रूरी है, आपने ये लिखना भी ज़रूरी है। इसी सीक्वेंस के साथ इसको एक सेंटेंस बना लीजिएगा, और ये न्यू माइसीलियम बनते हैं और ये हैप्लॉइड होगा क्योंकि हाइफी हैप्लॉइड होते हैं। उसके बाद आप इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसे पहले लिख दें तो भी ठीक है, अगर इसको इस थ्योरी के बाद लिखें तो भी ठीक है। शुरू कहाँ से करना है? ये दो तरह के हाइफी हैं, एक माइसीलियम को एक कलर से रिप्रेजेंट किया है, दूसरे माइसीलियम को दूसरे कलर से रिप्रेजेंट किया है। ये दोनों स्पोरेंजिया, ये इनके ऊपर स्पोरेंजिया मौजूद है, ये एक माइसीलियम है, दूसरा माइसीलियम है। स्पोरेंजिया को हम कंसीडर नहीं करते, ये एक का हाइफी है, ये दूसरे का हाइफी है, ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। इनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव इनकी स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है, कि दो को डिफर करने के लिए, मुख्तलिफ दिखाने के लिए हमने इनके ऊपर साइन पुट किए हैं। ये दो डिफरेंट हो गए, जब ये आपस में फ्यूज़ होते हैं ये इनके दरमियान हो रही है प्लाज्मोगैमी, साइटोप्लाज्म एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होते हैं। अब ये गैमिटेंजिया, यानी गैमिटेंजिया का मतलब है अब इनके न्यूक्लियाई फ्यूज़ हो गए हैं। जब इनके न्यूक्लियाई फ्यूज़ होते हैं तो गैमिटेंजिया बनता है। अभी आपको बताया था गैमिटेंजिया क्या होता है, गैमिटेंजिया उसे कहते हैं जो गैमिट्स बनाने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी जिन्होंने गैमिट्स बनाने हैं। तो ये गैमिटेंजिया प्रोड्यूस होता है, गैमिटेंजिया के बाद ये चेंज हो जाता है जाइगोट में, यानी जो गैमिट्स प्रोड्यूस होते हैं उनकी फ्यूजन होती है, फिर जाइगोट, जाइगोट चेंज हो जाता है जाइगोस्पोर्स में। जो जाइगोस्पोर्स है ये ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर शो किया है, ये जाइगोस्पोर आगे जर्मिनेट करता है, जब जर्मिनेटिंग जाइगोस्पोर्स होता है वो स्पोरेंजिया बनाएगा। ये एक है तो स्पोरेंजियम, अगर एक से ज़्यादा है तो स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया बनते हैं, ये डिप्लॉइड है, इन स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और ये स्पोर्स हैप्लॉइड हैं। इसका मतलब है ये मियोसिस के जरिए आगे जर्मिनेट करता है, तो दरमियान में साइन लगा दिया, इधर तक ये डिप्लॉइड रहते हैं, यानी इस लाइन से नीचे तक डिप्लॉइड हैं, आगे मियोसिस होगी हैप्लॉइड बनेंगे। जो हैप्लॉइड स्पोर्स बने ये स्पोर्स फिर बिखर जाएंगे, यानी इनको हम ऐसे लिखते हैं कि जितने स्पोर्स बने हैं ये इनसे निकलेंगे इनसे, और वो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स होंगे, ये मुख्तलिफ टाइप के स्पोर्स हैं, और एक स्पोर को हम इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, बल्कि इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये स्पोर्स जब ग्रो करेंगे तो ये इस तरह का माइसीलियम बनाएंगे, और ये स्पोर्स ग्रो करेंगे तो ये इस तरह का माइसीलियम बनाएंगे। अब ये दो डिफरेंट टाइप के माइसीलियम बने, और इसी तरह ये साइकिल रिपीट होगा, लेकिन ये है क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बल्कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये हो गई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस तरह ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं।
ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसकी नेसेसरी है, ज़रूरी है, और ये इसका साइकिल कंप्लीट हो गया। आखिर में आपने टाइटल देना है सबसे आखिर में एग्जांपल्स का, कि ज़ाइगोमाइकोटा से कौन सी एग्जांपल हैं जो बिलोंग करती हैं। एक राइजोपस है, ये डबल रोटी वगैरह या फ्रूट्स के ऊपर जो ग्रो करती है उसे राइजोपस कहते हैं। दूसरे नंबर पर पिलोबोलस है, पिलोबोलस को स्पिटिंग फंगस भी कहते हैं। ये MCQs आता है, इस पे निशान लगा लें। इसे स्पिटिंग फंगस इसलिए कहते हैं क्योंकि जहाँ ये ग्रो करती है इसकी ग्रोथ या माइसीलियम ऐसे होते हैं जैसे थूक की तरह नज़र आता है या सलाइवा की तरह नज़र आता है, इसलिए हम इसे स्पिटिंग फंगस का नाम भी देते हैं। ये था ऑल अबाउट राइजोपस, के राइजोपस के ऊपर नोट राइट करें या लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस के ऊपर नोट राइट करें। तो सबसे पहले इसके हाइफी के बारे में बताना है कि हाइफी इसके नॉन सेप्टेट होते हैं। फिर उसके बाद इसमें रिप्रोडक्शन की बात करनी है कि सेक्सुअल भी होती है, एसेक्सुअल भी होती है। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, तो वो स्पोर्स फॉर्मेशन के ज़रिए होती है, कुनिडिया वगैरह हो गए। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, वो ज़ाइगोस्पोर फॉर्मेशन के ज़रिए होती है। फिर ज़ाइगोस्पोर क्या होता है, वो थिक वॉल्ड होता है, रेजिस्टेंस होता है और टेम्परेरी होता है, डारमेंट स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियाई की फ्यूजन से बनता है। लेकिन फिर तरतीब के साथ आपने राइट करना है कि जब इनके न्यूक्लियाई फ्यूज़ होते हैं उसे गैमिटेंजिया बनता है, गैमिटेंजिया से गैमिट्स बनते हैं, गैमिट्स से ज़ाइगोट बनता है, ज़ाइगोट से ज़ाइगोस्पोर्स बनता है, ज़ाइगोस्पोर्स की जर्मिनेशन से स्पोरेंजियम बनते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर एप्लाइड स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, वो स्पोर्स जब बिखर जाते हैं वो नया माइसीलियम बनाते हैं। फिर उसके बाद आपने इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देनी है, आखिर में एग्जांपल का टाइटल दे के कोशिश करें डायग्राम को एटलीस्ट एग्जांपल से पहले राइट करें, या बेशक आप शुरू में भी राइट कर सकते हैं। उसके बाद एग्जांपल का टाइटल दें, एग्जांपल के बाद इसकी दो मिसालें, एक मिसाल पीछे टेबल में है वो भी आपने यहाँ लिखनी है। स्पीटिंग फंगस जो पिलोबोलस कहलाता है, और पिलोबोलस का दूसरा नाम क्या, ये MCQs के तौर पर भी आ सकता है वो, और राइजोपस जो ब्रेड और डिफरेंट फ्रूट के ऊपर ग्रो करते हैं, ये एग्जांपल देंगे तो ये कम्प्लीट हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।